वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स के बाद देखेंगे जो जे मेंस और जे एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये जे एडवांस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन जो है इसका स्टेटमेंट पहले देखिए क्या बोल रहा है। The least value of A, element of R, मतलब कि कोई real number मतलब minus infinity से लेके plus infinity के बीच में एक ऐसा real number A खोजना है जो कि इस conditions को क्या करे, hold करे, और वो A क्या होनी चाहिए, least value होनी चाहिए for all x greater than 0, और x की value क्या होनी चाहिए, greater than 0 होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा A जो होगा जो क्या करेगा, इस value को satisfy करेगा। तो ये जे एडवांस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके कैसे इसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा हमें। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये फंक्शन x में है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी कोई भी x की वैल्यू रखोगे तो हमेशा ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यानी एक तरह से ये बोला जाए कि ये जो फंक्शन है ये x में, ये इतनी फंक्शन जो है ये दिया हुआ, इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल आ रही है। अब लिस्ट वैल्यू 1 के इक्वल यहां से देख के पता चला तो वहां से दिमाग में हमारे क्या क्लिक करना चाहिए कि यहां पर क्या लगेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया जाए तो वहां से शायद कुछ मिल सकता है। तो चलिए इस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। लेट fx = 4 अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/x greater than or equal to 1, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। यानी fx की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। यहां से हमें पता चला ये greater than or equal to, यानी x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये 1 से बड़ा आएगा। कब, जब x की वैल्यू कहां से लेंगे, 0 से इंफिनिटी के बीच में। अब इसका हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो तरीका क्या होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसे इक्वेट करेंगे 0 के। जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा उस पॉइंट पे हम लोग इसके डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे कि उस वाले पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, लेस देन 0 आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है 4 अल्फा, तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x, और ये क्या है 1/x को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/x का मतलब क्या हो गया, x^-1। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x² के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो ये पता कर लें कि किस किस पॉइंट पे f'x 0 है। तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर f'x = 0 या व्हेन f'x = 0, तो क्या देगा ये, 4 अल्फा * 2x -1/x² = 0 आएगी, बिल्कुल। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आया हमारे पास, 4 अल्फा x माइनस, सॉरी 4 अल्फा इंटू 2x, यानी 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, अल्फा x -1/x², तो इसे मैं 8 कर देता हूं, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आ जाएगा, 8 अल्फा x -1/x² = 0। अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। अब यहां से हमें क्या आएगा, x का पावर 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 8 अल्फा को नीचे भेज दिया गया, यानी ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/8 अल्फा टू द पावर 1/3, यानी ये क्यूब रूट ऑफ 8 अल्फा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 अल्फा टू द पावर 1/α^3, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें, ये मिली। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें तो ये पता ना कि f'x की मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, सॉरी f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लोग ये चेक कर लें कि क्या इस पॉइंट पे जो f'x हमारी आई x = 1/2 1/α^3, क्या ये इस पे ग्रेटर देन 0 आ रही है, तब ना बोलेंगे हम लोग कि हाँ इस वाले पॉइंट पे ही इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो चलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, f" (x) = ये तो x है, तो क्या आ जाएगा, ये हम यहाँ पर f'x लिखा है, यही है हमारा f'x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8 अल्फा
अब ये देखो x की पावर माइनस टू है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू एक्स टू की पावर माइनस थ्री आ जाएगी। अब सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये एट अल्फा प्लस टू बाई एक्स का पावर थ्री। अब यहाँ पर x की पावर थ्री की वैल्यू क्या थी, वन बाई एट अल्फा, यानी ये क्या आ गया एक्चुअली में, एट अल्फा प्लस वन अपान एट अल्फा। अब ये हमें तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, मिनिमम वैल्यू अल्फा एलिमेंट ऑफ आर है। अगर हमें f डबल डैश x ग्रेटर देन जीरो मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे कि एट x इज इक्वल टू वन बाई एट अल्फा टू द पावर वन बाई थ्री पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा, क्योंकि f डबल डैश x क्या हो रही है, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगी, क्या होगी, अल्फा ग्रेटर। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास f डबल डैश x क्या हो रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, और एट x इज इक्वल टू वन अपान 8 अल्फा की पावर 1 बाई 3 पे ये मिनिमम वैल्यू अकर होगी, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यानी यहां से ये पता चला हमें कि जो अल्फा है वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब क्या होगी ये नहीं पता, बस पॉजिटिव होगी ये पता चल गया। तो यहाँ ऑप्शन अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो हमारा कभी भी करेक्ट आंसर होगा नहीं। तो यहाँ तो कोई नेगेटिव वैल्यू दी नहीं हुई है तो हम लोग कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। अब देखो हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे ये क्या है, मिनिमम वैल्यू रख रही है, तो हम क्या करेंगे, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है यानी वन के इक्वल है। तो क्या करेंगे, इसे इस मिनिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू वन अपन एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री को यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, फोर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन अपान एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री, ये हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है। तो क्या करेंगे इसमें, x की जगह ये वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा, फोर अल्फा वन अपान एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री और होल का स्क्वायर। ये तो x की वैल्यू रखे, प्लस वन अपान, अब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, वन अपान एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री। ओके, तो ये तो हमारा फोर अल्फा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वन अपान एट अल्फा, तो ये बाहर आएगी, तो ये वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई अल्फा की पावर टू बाई थ्री। अब ये एट अल्फा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री, क्योंकि वन अपान ये क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन अपान एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री आएगी, तो ये तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वन से डिवाइड करने पे, तो एट अल्फा की पावर वन बाई थ्री आ गई। अब क्या लिखेंगे इसको, 4 अल्फा, ये तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 आएगी, इनटू ये क्या आ जाएगा, 1 अपान अल्फा की पावर 2 बाई 3 प्लस 8 को बाहर निकालेंगे 2 अल्फा की पावर 1 बाई 3, 4 से 4 कट गया। अब अल्फा है, अल्फा की पावर 2 बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास अल्फा की पावर 1 बाई 3 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा की पावर 1 बाई 3, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 3 अल्फा की पावर 1 बाई 3। तो यानी x is equal to 1 upon 8 alpha की पावर 1 by 3 पर fx की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और यही मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो तो 1 के इक्वल है, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब जब ये 1 के इक्वल होगी तो यहां से अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, ये वाली वैल्यू यहां पे आई है, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 3 अल्फा की पावर 1 by 3 is equal to 1, यानी अल्फा की पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो इसका क्यूब कर देंगे तो 1 अपान 3 का क्यूब यानी 1 अपान 27, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान 27। अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगी, बिल्कुल। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं कि अप्रोच क्या थी, इसे कैसे सॉल्व किया गया, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था कि हम इस क्वेश्चंस को देखें, इस क्वेश्चंस को देख के हमें क्या समझ में आया कि इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की जो है वो कितनी है, 1 के इक्वल है। लेजर लाइट में यूज कर लेता हूँ, इस फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। तो यहां से ये पता चला कि x जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो 1 अपॉन 8 अल्फा की पावर 1 बाई 3 पे मिनिमम वैल्यू अकर होगी, और इसका सेकंड डेरिवेटिव जब निकाला गया तो ये अल्फा पे डिपेंड हो रही है, उसकी वैल्यू अल्फा के साइन पे भी डिपेंड हो रही है। तो ये देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन जीरो आएगी,
अब हमें ये पता चलेगा कि हाँ अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जब जीरो होगी तो वो मिनिमम वैल्यू वहां पर अकर होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि x इक्वल टू 1/8 अल्फा की पावर 1/3 पर क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। इस वाली वैल्यू को हम लोग fx में पुट करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू जो आ रही है 3 अल्फा की पावर 1/3 आ रही है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी 3 अल्फा की पावर 1/3 इक्वल टू 1 के इक्वल आएगी, यानी अल्फा की पावर 1/3 इक्वल टू 1/3 सॉल्व करने पर क्या जाएगा 1/27। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एट विच एफ अटेंड्स आइदर अ लोकल मैक्सिमा आर अ लोकल मिनिमा। यानी हमें बेसिकली इसके ये फाइंड करना है कि इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, उस चीज को बतानी है हमें कि एक क्रिटिकल पॉइंट होगा या दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अगर ये हम बता देते हैं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है मॉड के टर्म में, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सबसे पहले मॉड फंक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो मॉड फंक्शन क्या होता है, एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। अब यानी ये बीच वाली वैल्यू जहां पे जीरो आ रही है वहीं पे ये ब्रेक होता है। अगर यहाँ पे x माइनस वन होता तो क्या होता, मॉड x माइनस वन, तो कैसे ब्रेक करते, x व्हेन x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, एंड इसका निगेशन क्या हो जाएगा, वन माइनस x व्हेन x इज लेस देन वन। यानी ये जहां पे इक्वल टू जीरो करने पे जो वैल्यू आ रही है वहीं पे क्या होगा, ब्रेक होगा। तो चलिए इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी ये दो पॉइंट्स पे ये ब्रेक होगा, यानी इसके लिए कितने ब्रेकिंग पॉइंट आ गए, दो ब्रेकिंग पॉइंट आ गए। तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि तीन जगह पर इसको ब्रेक करना है पूरे फंक्शन को। तो क्या होगा, अब एफ एक्स को मैं पहले अच्छे से लिख लेते हैं जितने भी पॉइंट्स पे ये ब्रेक हो रहा है कि कितना आएगा ये वैल्यू, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, पहले एक रियल नंबर रियल लाइन बनाते हैं कि देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है एफ एक्स की वैल्यू। ये तो माइनस वन जीरो और वन, यहाँ पर ये जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले एक वैल्यू लेंगे इस वाले रेंज में, माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में, इस वाले रेंज में लेते हैं एक। तो क्या होगा, व्हेन, या फिर ऐसे कॉलन डे के लिखते हैं, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन। अब देखो माइनस वन होगा तो ये किस कौन सा ये केस होगा, ऐसा वाला केस आएगा एक्स लेस देन जीरो, तो ये माइनस एक्स में ओपन होगा। तो ये माइनस एक्स प्लस, अब ये माइनस वन से छोटा कोई वैल्यू ले, माइनस टू, तो क्या आएगा, फोर, फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री। तो ये तो पॉजिटिव में ही खुल रहा है, तो क्या करेंगे इसे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल। अब अगला जो रेंज होगा वो इंटरवल होगा वो क्या होगा, माइनस वन से जीरो के बीच में, यानी माइनस वन टू जीरो एक्स टू जीरो। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर या इंक्लूड ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये माइनस वन से लेके जीरो के बीच में क्या होगा, जीरो से छोटा रहेगा तो ये तो माइनस एक्स में ही ओपन होगा। अब माइनस वन से एक्स के बीच में, जैसे लेट सपोज वन बाई टू ले लिए, तो वन बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन बाई फोर माइनस वन माइनस थ्री बाई फोर। अब इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी इसका क्या है, टोटल में से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, तो ये आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगला जो इंटरवल लिया जाएगा वो जीरो से वन के बीच में लिया जाएगा। तो जीरो से वन के बीच में क्या होगा, पहले यहां पे लिख देते हैं इसको जीरो एक्स टू वन। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये इक्वलिटी वाली साइन को सही कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वलिटी लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे इक्वलिटी रहेगी। अब देखो यहाँ पर एक्स तो पॉजिटिव में ओपन होगा, अब यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू तो जीरो और वन बाई टू के बीच में है, जीरो से वन के बीच में है। अगर यहाँ पे वन बाई टू ले तो ये भी क्या होगी, फिर निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी ये फिर से इसको क्या करेंगे, निगेटिव में इसको ओपन करेंगे, तो यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब एक्स की वैल्यू वन से क्या हो, बड़ी हो, यानी टू रख दो, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी सिंपल क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये हमारा पास ये फंक्शन मिल गया हमें, ये हमारे पास एफ एक्स ये डिफाइन हो गया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हर एक इंटरवल में। तो ये एफ डैश एक्स क्या आएगी हमारे पास, तो सबसे पहले तो इंटरवल ही लिख लिया जाए। इंटरवल था हमारे पास
माइनस वन जीरो और वन ऐसे ब्रेक हो रही है, यानी x लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन, x की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में होगी तब क्या होगा, फिर जीरो से लेकर वन के बीच में होगी तो क्या होगा, और वन से बड़ी वैल्यूज। तो हर एक इंटरवल पे सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। पहला क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहीं पे मैं डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो टू एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन आएगी। तो यहां पे लिख दें टू एक्स माइनस वन, ओके। नेक्स्ट इसका करेंगे तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस टू एक्स माइनस वन, ये आ गया। सिमिलरली यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन माइनस टू एक्स, और जब यहां पर करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू एक्स, यानी टू एक्स प्लस वन। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हमें ये पता करना है कि कितने पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये f x जीरो कहां कहां हो रही है। तो हर एक, यहां पर तो कई सारे इंटरवल हैं, तो हर एक इंटरवल में देखेंगे कि x की जिस वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है तो क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है। मतलब कि क्या कि अगर ये जैसे पहला वाला टर्म लेते हैं, ये जीरो कहां पे होगा, टू एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू, ये वन बाई टू पे तो जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कब टू एक्स माइनस वन होगा, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस वन होगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो वन बाई टू हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट में x इजकल टू वन बाई टू नहीं आएगा। तो हर एक इंटरवल पे हम लोग चेक करते हैं। तो पहला क्या है, व्हेन f डैश x इजकल टू जीरो, व्हेन x इज लेस देन माइनस वन, तो क्या होगा, f डैश x इजकल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाई 2, बट 1 बाई 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ x लेस देन माइनस 1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको अच्छे से बोला जाए तो 1 बाई 2 इज नॉट लेस देन माइनस 1, तो इसके लिए क्या होगा, ये पॉइंट इसका नहीं होगा। अब अगले इंटरवल में ऐसे चेक करते हैं, व्हेन x इज माइनस 1 टू 0, तो इस इंटरवल में क्या होगा, इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब जब ये माइनस वन और जीरो के बीच में होगा तो फंक्शन तो ये दिया है, f डैश x जीरो का मतलब क्या हुआ, माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाई टू, ओके। अब x की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई, इसका मतलब क्या कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है क्या, माइनस वन माइनस वन बाई टू जीरो, तो ये तो इसके इस इंटरवल के बीच में तो लाई कर रहा है, तो क्या होगा अब कि ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेड से मार्क कर देता हूं कि हाँ ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब अगला इंटरवल में चलते हैं, थर्ड वाले इंटरवल में, थर्ड इंटरवल क्या है, व्हेन जीरो टू एक्स इज लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो क्या आएगा हमारे पास, ये एफ डैश एक्स इजकल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि वन माइनस टू एक्स इजकल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। अब देखो ये 1 बाई टू क्या यहाँ लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में, तो बिल्कुल लाई कर रही है ये, तो यानी ये क्या होगा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट ये भी होगा। अब इस पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब थर्ड जो आया रेंज वो क्या आया कि x की वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो, बड़ी हो, तो f डैश x 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू। लेकिन ये क्या वन से बड़ी है, बिल्कुल नहीं बड़ी है ये, तो ये क्या हो जाएगा गलत, यानी हमारे पास जो दो मिले, क्या चीज दो मिले, क्रिटिकल पॉइंट वो तो ये मिले, और क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये हमारे पास माइनस वन है बाउंड्री पॉइंट, माइनस वन जीरो और वन, ये तीनों बाउंड्री पॉइंट है, और ये दो जहां पता चले जहां पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो रखा है, तो या तो इस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, या तो इस पर होगी, या फिर किसी पॉइंट्स पे जो होगी वो क्या होगा, माइनस वन जीरो वन माइनस वन बाई टू और वन बाई टू के किसी पॉइंट्स पे ही होगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाई टू वन बाई टू माइनस वन जीरो और वन, ये तीन पॉइंट्स मिले हमें, फाइव पॉइंट्स मिले ये, यानी इस फाइव पॉइंट्स पे क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, और इसी पे ये मैक्सिमा या मिनिमा इसके क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये कैसा हो रहा है, कुछ ऐसे देखो, ये यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन बाई टू है, यहाँ पे जीरो है, और ये क्या है, ये
वन बाई टू है और ये वन है, यानी ये क्या हो रहा है कि माइनस वन पे ये जीरो है, माइनस सॉरी माइनस वन बाई टू पे जीरो है, वन बाई टू पे एफ डैश एक्स जीरो है, और माइनस वन वन बाई टू और वन इस पे फंक्शन की वैल्यू ही क्या है कि ये वहां पर ये साइन चेंज हो रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स में ये कंसीडर हो जाएंगे। यानी ये पांच जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये इसी पॉइंट्स पे ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यानी इसमें कितने पॉइंट्स होंगे जिस पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो फाइव पॉइंट, इसमें ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा भी आ जाएगा। तो ये जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, इस फंक्शंस को ब्रेक करके इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे, किसने क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। एक तो बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा जहां पे ये ब्रेक हो रही है, और एक पॉइंट होगा जहां पर वो एफ डैश एक्स जीरो हो रही है, तो उस पॉइंट्स पे इसके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 2011 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, जेई मेंस 2011 का। कुछ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, बस आप क्वेश्चन समझ लो, आराम से लगा सकते हो, चार नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ये जेई मेन 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बोल क्या रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन उस थोड़ी कॉन्सेप्ट को समझना है कि होगा कैसे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व, दिस कोई कर्व होगा ऐसे, ये सॉरी ये तो पैराबोला, जिसको तो बना सकते हैं कि x इक्वल टू y स्क्वायर, यानी ये कुछ ऐसे दिखेगा आपका कर्व। ये मैं इसको कर्व ऐसे होगा, ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओरिजिन से पास भी करेगी। एक लाइन है y माइनस x इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन, और y की वैल्यू वन, यानी एक लाइन ऐसे जा रही है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, अब हमें क्या इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब हमें इस लाइन ऑफ कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, कब लाई करता है, जो कॉमन, सॉरी कॉमन टेंजेंट के अलोंग लाइन करता है, जो कि इस पैराबोला से या इस कर्व से पास करे किसी पॉइंट से। तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा पिक्टोरियल व्यू कैसे आ रहा है कि एक मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, इस पे कुछ टेंजेंट ऐसे पास करती हुई जाएगी। तो ये जो टेंजेंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही मिनिमम डिस्टेंस होगा इस कर्व और इस लाइन के बीच का। तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट एच कामा के पे इसका जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप इक्वल होगा, y माइनस x इक्वल टू वन। मतलब आप सबसे पहले यानी इस लाइन का स्लोप पता करना होगा, तो y माइनस x इक्वल टू वन दिया है, तो y इक्वल टू x प्लस वन करेंगे। और हमें ये पता है लाइन का इक्वेशन का एक फॉर्म होता है mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यानी m क्या होता है, ये स्लोप होता है लाइन का। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या हो गया कंपेयर करने पर, m की वैल्यू वन आ गई। यानी इस स्लोप, इस लाइन गिवन लाइन का स्लोप m इक्वल टू वन है, तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर एट पॉइंट, एट पॉइंट h कॉमा k इज, k इज वन होगा। अब देखो हमें पॉइंट पता है, कर्व पता है, तो क्या इसका टेंजेंट का निकाल सकते हैं कि टेंजेंट क्या होगी। तो यानी कैसे पता चलेगा, वो डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन की वैल्यू h कॉमा k पे फाइंड करेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y dy / dx, और dx का 1 होगा। अब इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dy / dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, और एट h कॉमा k पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2 के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि स्लोप 1 यहां पे 1 आई थी, बोला यहां पे लिखा है ना कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x = y² एट पॉइंट h, k इज 1, यानी 1/2 इज k इज इक्वल टू 1 आ गई। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1/2 k इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 1/2। अब k की वैल्यू 1/2 पता चल गई, और ये k जो होगा वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से क्या मिलेगा, h और k दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू k स्क्वायर, यानी h की वैल्यू क्या मिल गई हमें, k स्क्वायर यानी 1/4, यानी पॉइंट क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, 1/4 कामा 1/2। अब हमें एक पॉइंट पता चल गई, स्लोप पता चल गई, तो क्या हम लोग उस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ दी
of the tangent to the curve at the point h comma k. तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 1/2 स्लोप कितनी है 1 है इंटू x माइनस 1/4. तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 1/2 और ये x माइनस 1/4. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 1/4 प्लस 1/2 यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1/4. ठीक है, अब देखो ये हमें पता चल गया कि इस जो ये टेंजेंट लाइन है उसका इक्वेशन क्या है और इस टेंजेंट लाइन का, तो दो हमें लाइन पता चल गया है. कैसे कैसे लाइन है ये y माइनस x इक्वल टू 1/4 और ये y माइनस x इक्वल टू 1. तो क्या इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल. क्या होता है फार्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन c1 माइनस c2 उसका मॉड. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. इसका स्लोप कितना है 1 का स्क्वायर. तो ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 अपॉन रूट 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 3/4, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/√2 यानी 3/4 इंटू रूट 2. तो ये आ गई हमारी 3/√2 यानी जो डिस्टेंस होगा इन दोनों टेंजेंट लाइंस के बीच में वो कितना है 3/√2. ओके, 3/√2. अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है. तो ये देखो ये 8 के टर्म में कुछ दिया है तो जरा इस तरह भी सॉल्व करके देखते हैं कि आ क्या रहा है. ये 3 एक तो आंसर ये आई थी कि 3√2/4 एक ऐसे है. तो ऑप्शन से मैच कराते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास. तो 3 तो ऊपर ही रहेगा यानी ये हो सकती है. और कोई दिख रही है क्या? और तो कुछ दिख नहीं रही है. तो देखते हैं कैलकुलेशन सही है या फिर कुछ मिस्टेक हो गई. हाँ, एक कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो गई, 3/4 डिवाइडेड बाय रूट 2 है ना ये, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया. तो इसको सही करते हैं. 3/4 को किससे डिवाइड करना है, रूट 2 से डिवाइड करना है. तो ये आ जाएगी 3/4 इंटू 1/√2. ये डिविजन में यहाँ मिस्टेक हो गई थी, चलिए करेक्ट करते हैं. तो 3/4 रूट 2 आ जाएगा. अब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3√2/8. तो देखो ये ऑप्शन मैच कर गया कि नहीं कर गया, 3√2/8 ऑप्शन ही करेक्ट हो गया. तो किए क्या हम लोग, सिंपली ये टेंजेंट दिया हुआ था, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन दी हुई थी यहाँ पर और ये हमारे पास कर्व दिया हुआ है. तो मान लिया किसी पॉइंट पे इसकी जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो गिवन लाइन के पैरेलल होगी. तो दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप भी इक्वल होता है. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड किए 1 आया और इसको दूसरे लाइन के स्लोप के इक्वल कर दिए तो वो भी उसका भी स्लोप 1 हो जाएगा. अब दूसरा अप्रोच क्या रहेगा जरा सोचो, क्या किया हम लोग कि जो इस कर्व था उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हैं और उस पॉइंट और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं उस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं. तो ये 1/2y आया. अब इसको हम लोग h कॉमा k पे जब निकालेंगे तो 1/2k आ जाएगी और ये इसका स्लोप किसके इक्वल है, ये 1k. तो यहां से k की वैल्यू मिली. और जब k की वैल्यू मिली हमें पता है कि h कॉमा k जो है इस पर कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा. तो क्या हो जाएगा ये k की h की वैल्यू 1/4 आ जाएगी. तो एक पॉइंट मिल गया और एक हमें स्लोप मिल गया, उस लाइन का स्लोप मिल गया. तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे. तो यहां से हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला y - x = 1/4. अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिंपल स्ट्रेट लाइंस के डिस्टेंस, टू पैरेलल लाइंस जो है उनके डिस्टेंस का फार्मूला के ऊपर बन गया, रिड्यूस हो गया. तो यानी 1 - x = 1/4, 1 - x = 1. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ c1 - c2, तो 1 - 1/4 और अंडर रूट 1 + m का स्क्वायर. तो m की वैल्यू तो यहां पे 1 दी हुई है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 रूट 2. अब इसको सिंपलीफाई किए तो क्या आ गया, 3/4 को रूट 2 से डिवाइड करना है. तो 3/4 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 3/4√2 इज इक्वल टू 3√2/8. तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन आ गया. ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है कि बोल क्या रहा है, फिर ये देखना है कि हम लोग कौन सा अप्रोच इसमें लगा सकते हैं. अभी तक जो पढ़े उसमें क्या लगा सकते हैं, कोई इस तरह का क्वेश्चन किए उस तरह का अप्रोच, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं. तो चलिए फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन पहले समझते हैं कि बोल क्या रहा है ये, क्या बोल रहा है ये. अ स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विद इतना क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस. इफ अ लीक इन द बैलून कॉज द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ दिस क्यूबिक मीटर पर मिनट, देन द रेट इन मीटर पर मिनट
then the rate in meter per minute at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began. जैसे कि क्वेश्चन समझने क्या था कि एक हमारे पास बैलून दी हुई थी, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ये पता है कि इफ अ लीक इन द, इसका जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ हमारे पास 4500 पाई दिया हुआ है. वी की वैल्यू कितनी दे दी हुई है 4500 पाई. ठीक है, तो हम लोग यहां से एक चीज निकाल सकते हैं क्या कि इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यू करके तो यहां से रेडियस निकल सकती है. लेकिन इसकी क्या कोई जरूरत है, चलो देखते हैं, लिख देते हैं इसको कि इसका रेडियस 4/3 पाई आर क्यू अगर रेडियस आर हुई तो. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहला क्या बोला कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम थी, मान लिया इसका रेडियस आर है और इसका वॉल्यूम दिया 4500 पाई 4/3 पाई आर क्यू क्योंकि रेडियस आर है. इफ अ लीक इन द बैलून कॉज द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ दिस क्यूबिक मीटर पर मिनट. अब यहां पर क्या हो गई, एक होल हो गई जहां पर ये हवा निकल रही है बाहर. तो हवा निकलेगी तो क्या होगा, इसका शेप कुछ छोटा होगा, साइज छोटी होगी. साइज छोटी हो रही है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी dv / dt जो दिया हुआ है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ये 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 पाई का जो वॉल्यूम है वो कम हो जा रहा है. तो हमें ये बोल रहा है कि dr / dt बताइए. क्या बताना हमें, dr / dt को फाइंड करना है कब, एट t आफ्टर, सॉरी आफ्टर t इज इक्वल टू 49 मिनट. अब एक चीज हमें ये समझ में आया कि जब एक मिनट में 72 पाई इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो 49 मिनट्स में कितने वॉल्यूम कम होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई. तो आफ्टर 49 मिनट्स टोटल वॉल्यूम डिक्रीजेस इज टोटल वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय कितने से कम होगी, 49 × 72 पाई. क्यों, देखो एक मिनट में जो वॉल्यूम कम हो रही है वो 72 पाई के इक्वल वॉल्यूम कम हो रही है. ठीक, और ये बोला कि 49 मिनट्स के बाद बताना है कि dr / dt क्या होगी. तो एक मिनट में 72 पाई का वॉल्यूम कम हो रहा है तो 49 मिनट्स में कितने का कम होगा, 49 × 72 पाई. तो ये इतना लिख दिया हमने. अब हम ये पता कर सकते हैं क्या कि 49 मिनट्स के बाद उस वैल्यू, जैसे पहले वॉल्यूम का साइज ये था बैलून का, जब लीकेज 49 मिनट्स के बाद क्या होगा, आफ्टर 49 मिनट्स इसकी साइज थोड़ी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो न्यू वॉल्यूम क्या हुआ, दस देन वॉल्यूम ऑफ बैलून आफ्टर 49 मिनट्स क्या हो जाएगा. पहले तो टोटल वॉल्यूम कितनी थी, 4500 पाई थी, तो 4500 पाई माइनस इस वाले वॉल्यूम को घटा देंगे जितनी लीकेज हुई, तो करते हैं सॉल्व, 4500 माइनस 49 × 72 पाई. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है. 4500 माइनस 49 का 72 में करेंगे तो क्या आएगा, 50 का करेंगे 72 से तो 5 × 2 = 10, और फिर इसमें से 50 माइनस कर देंगे, 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 3528 आ जाएगी. ठीक है, 98 सिंपली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 98 फिर 7 से करेंगे 63, 6 7 × 4 = 28 और 6 = 34, तो 8 9 3 = 12 और 35 = 28. इसको क्या करो, 50 माइनस 1 लिख दो, 50 माइनस 1 का 72 का 50 में मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसमें से 72 को माइनस कर देना. तो इस तरह से हम लोग सिंपली अपने रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3528 पाई. अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 972 पाई आ जाएगी. ठीक, तो ये तो वॉल्यूम हुआ 49 मिनट्स के बाद कितनी इसकी वॉल्यूम होगी. तो क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कि उस टाइम पे इसका रेडियस क्या होगा. मान लेते हैं कि अब न्यू रेडियस क्या हो गई, आर डैश हो गई, तो यानी इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश के क्यू के इक्वल होगी. तो पाई से पाई को कट कर दें, आर डैश क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 972 × 3/4, 4 से इसको कट किया जाए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली में है क्या, 3 3 3 3 3 5 टाइम्स, और ये एक और 3 आ गया, यानी 3 के पावर 6 हो गई.
अब r का क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r डैश की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी 9 के इक्वल आ जाएगी क्या? ठीक है, यानी r डैश की वैल्यू पता चल गई कि ये 9 है, कि जब आफ्टर 49 मिनट्स के बाद जब जो हमारे पास बैलून का शेप बचेगा स्फेरिकल में उसकी रेडियस कितनी है, r डैश इज इक्वल टू 9। अब हमें हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट देन द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून डिक्रीज, dr / dt हमें फाइंड करनी है। हमें भी का फार्मूला तो पता है कि भी इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 πr³। और ये जो रेट है वो कब बताना है, एट 49 में, आफ्टर द 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगन, जब लीकेज शुरू हुई उससे 49 मिनट के बाद बतानी है। तो यहां पर हम लोग ये तो निकाल लिए, भी इज इक्वल टू 4/3 πr³ आई, तो dv/dt क्या हो जाएगी, 4/3 πr³ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3r² dr/dt आ जाएगी। x की पावर n का डिफरेंशिएशन सिंपली यूज कर दिए यही फार्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4πr² dr/dt और इधर क्या है, dv/dt। अब हमें dr/dt कब निकालना है, आफ्टर 49 मिनट्स, और ये क्या है कि एक स्पीड से ही डिक्रीज हो रहा है, 72 πcm/min। यानी dv/dt की वैल्यू क्या होगी, किसी भी टाइम पे 72 π ही होगी, तो आफ्टर 49 हुई थी क्योंकि जो न्यू आर आएगी तो वो तो हमारे पास 9 आई थी, तो वो 9 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पर। तो dv/dt क्या हो जाएगी, 72 π, ये 72 π आई, और ये हो जाएगा 4πr′ का स्क्वायर यानी ये 9 का स्क्वायर, और उस समय जो रेडियस डिक्रीज हो रही है dr′/dt, क्योंकि हमें क्या है, आफ्टर 49 मिनट्स आर किस में चेंज हो गया था, आर डैश में। थोड़ा सा इसको मैं एक स्टेप और आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एक्चुअली हम लोग आर डैश क्यों लिख रहे हैं या आर क्यों आ रही है। देखिए क्या है कि dv/dt ये आया था किसी भी टाइम पे, जब भी आर की वैल्यू किस पर्टिकुलर आर पे dv/dt और dr/dt के बीच में रिलेशन आया था, आफ्टर 49 मिनट्स हमने एक फिगर बनाया जिसमें हमने बोल दिया कि इसकी रेडियस हम आर डैश हो गई। यानी अब ये क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4πr′ का स्क्वायर और dr′/dt, और हमें तो यही निकालना है ना, dr′/dt। dr′ का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर 49 मिनट्स कितने रेट से इसका रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग r′ की जगह 9 का स्क्वायर 9 रखेंगे। अब 9 का स्क्वायर dr′/dt, अब पाई से पाई कट गया, ये क्या आ जाएगा, 72/4×9×9। तो dr′/dt इज इक्वल टू 72/4×9×9, तो 9 से इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा, 8, और 4 से करेंगे तो ये 2, तो 2/9 आ गया क्या ये। यानी जो जिस रेट से वो डिक्रीज होगी इसकी रेडियस, वो क्या होगा, 2/9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोई ऑप्शन है हमारे पास इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 2/9, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल थी हमारे पास जिसका रेडियस समथिंग मान लेते हैं कि आर था पहले, 49 मिनट्स के बाद एक लीकेज हो रही थी जिसकी वजह से ये क्या है कि 49 मिनट्स के बाद इसकी रेडियस कम हो गई, तो मान लिया कि उस समय इसकी रेडियस आर डैश हो गई। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जो वॉल्यूम है शुरुआत में कितनी थी इसकी, 4500 π थी। ठीक, अब इसकी जो वॉल्यूम का जो रेट डिक्रीज हो रहा है जब इसमें लीकेज स्टार्ट हो गया, तो dv/dt कितनी दी हुई है यहाँ पर, 72 π। तो हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस रेट से इसका रेडियस डिक्रीज होगा, कब, आफ्टर 49 मिनट्स, 49 मिनट के बाद इसका रेडियस कितने रेट से डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता किए कि 49 मिनट्स के बाद जो इसकी रेडियस आर डैश आएगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए हम लोग ये पता किए कि एक मिनट में इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 72 π हो रहा है, इतना क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में इतने क्यूबिक मीटर से इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो 49 मिनट्स के बाद कितने से डिक्रीज होगा, कितना इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया होगा, 49×72 π। इसका मतलब कि जो इसकी वॉल्यूम की जो वॉल्यूम होगी 49 मिनट्स के बाद कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम में से ये डिक्रीज वॉल्यूम को घटा देंगे, यानी इतनी 972 π आएगी। तो हमें तो आर डैश निकालना था ना, तो 49 मिनट्स के बाद इसकी रेडियस आर डैश हो गई थी, यानी 4/3 πr′ का क्यूब। तो वहां से जब कैलकुलेट किए तो आर डैश की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद किधर गया, हाँ उसके बाद क्या है, हाँ
तो हमें ये पता करना है कि डी आर डैश बाई डी टी कितनी आएगी। तो भी की वैल्यू तो 4 बाई 3 पाई आर क्यू है, तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगी, 4 बाई 3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी और डी आर बाई डी टी के बीच में एक रिलेशन मिल गया। तो हमें तो 49 मिनट के बाद इसका कितने रेट्स इसका रेडियस डिक्रीज हो रहा है वो पता करना है। तो क्या हो जाएगा ये डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश बाई डी टी। अब वैल्यू हमें आर डैश की पता है, डीवी बाई डी टी भी पता है, तो उसको कैलकुलेट करके डी आर डैश बाई डी टी निकाल लिए, तो 2 बाई 9 इसका आंसर आ गया। यानी इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया रहा है आपको, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चंस को समझो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हो। तो आज हमने कुछ जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखे, कैसे इसमें पढ़ा हुआ चीज जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पढ़ा, कैसे इसे अप्लाई करते हैं। तो आप और भी क्वेश्चंस लगाइए, उसमें आप कॉन्सेप्ट्स को देखिए, तो आप अच्छा आपका कमांड होगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका कमांड अच्छा होता जाएगा। तो ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।